राम सिर नहाए। अब राम जी ने सिर झुका लिया है और मुस्कुरा रहे हैं। परशुराम ने ये कहा, क्या कर रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, हम ये कह रहे हैं कि कर पर तोस मोर संग्राम, ना ही तो छाण का अवसराम, दो में से कौन सा काम कर रहे हो तुम, ये बताओ कि या तो मुझसे युद्ध करो। राम जी ने कहा, महाराज युद्ध तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, बोले मेरे कुल का नियम है, कुल के नियम के साथ साथ युद्ध का जो परिणाम होता वो मैंने स्वीकार कर लिया, हम हार गए महाराज, अब का करने ते करो, कृपा कोप बद बदो गुसाई, जो करने वो करो। बोले चाहे एक काम करो, नाम बदल के रख लो। बोले महाराज नामों में अंतर है दो जन के में, तो नामों में कोई परेशानी नहीं बैठेंगे। परेशानी कहां, परेशानी है रघुपत बके कुठार उठाए, वो फरसा उठाए बक रहे, चिल्ला रहे कि नहीं नाम बदलो कि लड़ो। परशुराम क्या चाहते, परशुराम चाहते हैं कि भाई है तो बेउराम, लेकिन राम के साथ में उनने परस जोड़ लिया, बोले पहचान राम से ज्यादा, राम से पहले मेरी फरसे की होना चाहिए। अब जो जैसा होगा वैसे ही सोचेगा, या तो राम भी धनुष राम बन जाए, भाई बेफरसा उठाए रहे तो इतने कमजोर को होगा तो बोलेगा अच्छा कैसे उन्हें बन रही, तो आई जा आ जा। लेकिन राम की विशेषता है कि राम राम रहना चाहते हैं, राम धनुष राम नहीं बनना चाहते, क्योंकि तुम परशुराम बन सकते हो लेकिन राम कभी धनुष राम नहीं बनेगा। राम ने तो सर झुका दिया और सिर ही नहीं झुकाया, एक तो बात हंसी आई मन में और नीचे ही हंस लिया कि आहारे जमाने गुन है लखन करे हम पर रोसू कतहु सुधायु ते बड़े दोसु। बारे जमाने जो कछु बात है ते तो लक्ष्मण की है, लक्ष्मण पर कोई गुस्सा नहीं, हम सीधे पड़ गए तो वास्तव में सीधे पड़ में भी बड़ा नुकसान, लक्ष्मण से कुछ कह नहीं रहे, हम पर क्रोध कर रहे। केवल एक ही बात कह दी राम ने कि महाराज राम कहू हरे रेस तजी मुनीसा। मुनि महाराज इस गुस्से को छोड़ दो, क्रोध त्याग दो। मुनि महाराज बोले नहीं, परसु विलोक महीप कुमार ये फरसा दिखाई नहीं दे रहा है, महाराज दिखाई दे रहा है। और फरसे को महाराज देखना क्या है, करे कुठारे आगे यह सीसा। पर फिर देर किस बात की है, आपके हाथ में फरसा है और ये शीश राम का आपके सामने है, जे ही ऋषि जाए अरे करियो सोई स्वामी मोहे जानिया आपने अनुगामी। अब तुम्हारा जैसे तुम्हारी गुस्सा जाए, ये शीस काटने से अगर क्रोध जाता है तो ये राम का शीस आपके सामने है, ये शीस झुका है आपके सामने महाराज, इसको काट लो। परशुराम जी ने कहा कि हम अपनी बात से तस्ते मसनाए कर पर तोस मोर संग्राम, युद्ध करो राम, ने नाम बदल के रखो। प्रभु ने केवल एक ही बात कही कि महाराज बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं कि युद्ध करो युद्ध करो, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि प्रभु ही सेव कहे समर कस तजहो पिप्रबर रोस। महाराज आज ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, और फिर हम तो आपके सेवक हैं, दास हैं, और दास से स्वामी युद्ध करे तो मेरी दृष्टि में ये उचित नहीं है। हाँ रही बात क्रोध की, लक्ष्मण ने जो किया, सच कह रहा हूं मैं, वैसे कहना नहीं चाहता, बेस बिलो के कहे से कछु बालक हूं नहीं तोस। आप बार बार उस पर क्रोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अपराधी हम हैं,
कृपा कोप बध बधाओ गुसाई, आपको जो करना चाहिए अपराधी हम है, आपको जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन आप बार बार मेरे भाई को दोषी मान रहे और दोषी ही नहीं मान रहे, बार बार उसको मारने की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा कि जो अपने निर्दोष भाई को बड़ा भाई जिसके सामने हो और उसके कोई छोटे भाई को पापी कहे, नीच कहे, मलिन मनवाला कहे, जहर से भरा हुआ कहे, वह कोई सहन नहीं करता। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि बालक हूं नहीं दोष, ये बालक है, इसका कोई दोष नहीं है। रही बात क्रोध करने की, आपसे इस तरह बात करने की, तो महाराज मैं कह रहा हूं, पूरे सभा के सामने कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देखे कुठार अरे पानो धनु धारी वही लड़ी कहे रेस बीरु बिचारी। लक्ष्मण का कोई दोष नहीं, यहां पर जब आप आए तो आपके हाथ में बाण था, धनुष था, फरसा था, क्रोध में भर के आए थे, तो आते ही आपने घोषणा कर दी कि सो बिलगाए बिहाय समाजा, नत मारे जे है सब राजा, अलग हो जाए समाज से। महाराज यद्यपि जब दारुण दुख नाना, लेकिन सबसे कठिन जाति अवमाना। किसी को जाति में अपमान तो महाराज किया जाए, और एक बार नहीं आपने कई बार जो है जाति के अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मेरे छोटे भाई को आपका ये वीरत्व स्वीकार नहीं हुआ। हां नाम जान पे तुम्हें न छीना, वो नाम जानता था लेकिन आपको पहचान नहीं पाया, और उसने जो भी बातें कही है हम कह रहे हैं वंश स्वभाव उतरते ही दी, वो वंश का स्वभाव है, मेरे रघुकुल का स्वभाव है। और महाराज आप कुछ भी सोचे लेकिन एक अटल सत्य है कि जो तुम आते हो अरे मुनि की नाई पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। हमारे भाई आपको लग रहा है कि वो दोषी है, अपने भाई को मैं जानता हूं, अगर आप मुनि के रूप में यहां आए होते, एक ब्राह्मण के रूप में यहां आए होते, तो मेरा ये शिशु, मेरा ये छोटा भाई आपके कमल स्वरूपी चरणों में अपने आप को लेटा देता। क्षमा हो चू, फिर भी उसने वंश के स्वभाव के कारण, अपने स्वभाव के कारण महाराज जो भी उत्तर दिया, हम कह रहे हैं कि जाने अनजाने में जो भूल हुई है, राम उसका बड़ा भाई है, हम आपसे उसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन इतना जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे कि चाहिए विप्रपुर कृपा में, ब्राह्मण की शोभा कृपा में है, ब्राह्मण की शोभा क्रोध में नहीं है महाराज, ब्राह्मण की शोभा शास्त्र में है, ब्राह्मण की शोभा शस्त्र में नहीं। अगर आप इस प्रकार से ना आते, मुनि की तरह आते, ब्राह्मण देवता की तरह आते, तो हमारे कुल में ये सिखाया जाता है कि हम ब्राह्मणों से और मुनियों से कैसा बर्ताव करते। हमारे कुल में सिखाया गया है कि ब्राह्मण के आगे झुकना पहला कर्तव्य हमारा है, हम सबसे पहले झुकते हैं, ये क्षत्रिय जाति की विशेषता है। लेकिन महाराज आप वेश बदल के आए, बालक ने आपको पहचान नहीं पाया, हम उसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। और फिर रही बात महाराज नाम बदलने की, आप बार बार कह रहे हो कि नाम बदलो, बार बार आप कह रहे हैं कि युद्ध करो, अरे हमें तुम्हें सर्वस कसिना था, कहो न कहां चरण कहां माथा। आप ये क्यों नहीं देखते कि कहां तो चरणों का सबसे निम्न स्थान है और कहां सिर है सर्वोच्च स्थान है। राम ये तो आपके चरणों की रज का सेवक है, आपकी चरणों की रज का पुजारी है, और आप उसे बराबरी पर लाना चाहते, आप उसे युद्ध के लिए ललकार रहे,
आप उससे नाम बदलने के लिए कह रहे हैं या आप उसको बराबर बनाना चाहते हैं? महाराज, ये राम का स्वभाव है कि राम जहां है वहीं रहेगा। राम ना आगे जाना चाहता ना नीचे जाना चाहता, मेरा जहां स्थान है वहीं रहेगा। नाम महाराज बदलने की बात करते हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कितना बड़ा नाम है आपका, परसु फरसा आपकी पहचान है। हमारे पास क्या है? क्या आपने कभी ब्राह्मण देवता विचार किया? हमारे पास हमारी पहचान क्या है? मेरी एक पहचान है कि देव एक गुण अरे धनो सो हमारे नव गुण परमो पुनीत तुम्हारे। महाराज, हमारे पास तो एक गुण है, हमारी एक पहचान है क्षत्रियों की, और वो केवल गुण है धनुष। हमारा अस्त्र केवल इससे ही मेरी पहचान है। आपके पास एक पहचान नहीं है, आपके पास दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, नौ पहचान है। ये केवल और केवल पहचान महाराज आपको दी गई है, ये ब्राह्मण कुल को पहचान दी गई है। आप उस पहचान को भुला करके, हमारी एक पहचान है उस पहचान से आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो। नो पहचान आपके लिए कोई मायना नहीं रखती। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बड़ी सभा के अंदर कह रहे हैं कि सब प्रकार अरे हम तुम सनहारे, अब तो क्षमा हो पिप्र अपराध हमारे। पूरी सभा के सामने कह रहे हैं, वैसे न मेरा भाई अपराधी है न हम अपराधी है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हमसे अपराध हो गया। वो अपराध का कोई प्राश्चित कर ले, शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ी अपराध की सजा होती है कि व्यक्ति प्राश्चित कर ले। हम पूरे समाज में भरी सभा के अंदर ये सात्विक मन से अच्छे मन से कह रहे हैं कि हम सब प्रकार से तुमसे हार गए। नाम में छोटे, गुणों में छोटे, कुल में छोटे, नाम में छोटे, सब प्रकार से हमारी हार हुई, हमसे अपराध हो गया है। उस अपराध के लिए हम क्षमा चाहते हैं। रही बात महाराज कि आपको बड़े हैं, नाम से भी बड़े, गुण से बड़े, कुल से बड़े, आप क्षमा कर देंगे तो आप और बड़े हो जाएंगे। परशुराम जी ने कहा, राम बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बार बार मुनि विप्रवर, राम जी ने पूरी वार्ता के लिए केवल दो ही शब्दों का प्रयोग किया, या तो ब्राह्मण देव कहा या मुनि महाराज कहा। यही बात बस परशुराम को खटकती थी कि एक बार भी भरोसा की तो बातें ही नहीं चली। जब देखो तब मुनि महाराज, जब देखो तब ब्राह्मण देवता, जब देखो तब मुनि महाराज। यही तो परशुराम की चिड़ थी कि हमें जाति पहचान करवाने होती तो हमें इतना सामान का उठावे फिरते भाई, जो सामान टावे ताकि नेको पहचान नहीं। बाबा ने कितना मार्मिक लिखा कि बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। राम जी ने कई बार कहा, भोले भ्रभुपत सरस हस तहू बंधु समुपाम। अब की मैं हंस के बोले, हम तो समझते थे तो ठीक है, लेकिन तहू बंधु समुपाम ते वो भाई भज्जा जैसे टेढ़ो नहीं करो। राम जी ने कहा कि महाराज हम जाने का टेढ़ोपन करता हूं, कहा हमने ऐसी बात कह दी कि आपको लग रहा है कि हमसे गलती हो गई। परशुराम जी ने कहा, तू समझ में नहीं आई, तू हमें क्या समझ रहा है? राम जी ने कहा कि महाराज हम वही समझ रहे जो तुम हो। आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण समझ रहे, आप मुनि हैं, हम मुनि समझ रहे। महाराज जाके अलावा हम कहा हो आप तो हमें बताए, जाके अलावा तुम कछु हो। नाम में आप परशुराम हैं, प्रभु के महाराज के पुत्र हैं, ब्राह्मण देवता है, देश से बाने बाने से देखते हैं महाराज जटा जूट देख के तो आप मुनि लगते हैं, मुझे तो आप ब्राह्मण देवता और मुनि दो रूप दिखाई दे रहे। बस यही क्रोध का कारण था। खुल के परशुराम जी ने कह दिया
के निपट है द्विज, अरे कर जाना है मोही में जस विप्र सुनावह तो ही। गुस्सा कर जी तो कहा होता है तुम ब्राह्मण समझ रहे। राम जी कहते समझकार है महाराज तुम हो, ये क्रोध का कारण था। बोले तुम मुझे ब्राह्मण समझ रहे हो, ब्राह्मण नहीं है। और जैसा तू ब्राह्मण समझ रहा है, राम जी ने कही महाराज हमारी दृष्टि में तो ब्राह्मण ब्राह्मण सवेर से, अब तुम कौन सी परिभाषा ब्राह्मण की रचना चाहते हो महाराज जी हमें पतो ना है। परशुराम जी ने कहा मैं जैसे पिप्र हम कैसे ब्राह्मण है वो तो सुन लो। बोले महाराज बताओ कैसे ब्राह्मण हो। बोले तुम वो ब्राह्मण समझ रहे हो कि जो यज्ञशाला में बैठ के सुहा सुहा बुलवाते हैं हवन श्रवा से, हम भी ब्राह्मण नहीं। तो महाराज तुम कौन से ब्राह्मण हो। बोले चाप श्रवा अरे सर आहोत जानू कोप मोरे अति घोरे कृसानू, हम भी हवन करवाए वाले ब्राह्मण नहीं। राम जी ने कहा महाराज हम तो आज तक बिना को ब्राह्मण जानते, जो यज्ञ करवाए जो शुभ कर्म करवाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।